पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत में मौजूद रहे। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद के झूठे विज्ञापन मामले में आज सुनवाई की। बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। इसके साथ ही आईएमए अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी माफी को भी ठुकरा दिया। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा, जिन दवाओं के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है उनको दुकान पर बेचने से रोकने और बाजार से वापस लेने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने पतंजलि से इसको लेकर एक हलफनामा दायर करने को कहा, जिसके बाद पतंजलि की तरफ से जवाब देते हुए वकील बलबीर सिंह ने कहा, हमने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस अमानुल्ला ने रामदेव के वकील मुकुल रोहतागी से पूछा, आपके क्लाइंट को कुछ साल पहले एम्स जाना पड़ा था एक हार्ट अटैक के चलते। इसको लेकर एसजी मेहता ने कहा कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा करते हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्ला ने कहा कि बाबा रामदेव पर लोगों की आस्था है, उन्हें जनता को कम नहीं आंकना चाहिए, लोग वाकई आपकी बात सुनते हैं। वहीं जस्टिस कोहली ने रामदेव से कहा कि योग में आपका और आपकी टीम का बड़ा योगदान है, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो एक अलग मसला है। सुनवाई के बाद बाबा रामदेव ने कोर्ट से निकलते वक्त पत्रकारों से कहा कि धैर्य रखो। बाबा ने ये बात तब कही जब उनसे कहा गया कि आपको कोर्ट ने रियायत दे दी है। कोर्ट ने FSSAI से भी हलफनामा मांगा है। MIA के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से एक आखिरी मौका मांगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष के वकील से कहा कि आपने वो क्यों नहीं किया जो पतंजलि की तरफ से किया गया। उत्तराखंड के आयुष विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने कार्रवाई करने में काफी देर कर दी, फरवरी के बाद से केवल एक कार्रवाई हुई, आप ये बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, आप अदालत के साथ खेल खेलना बंद कीजिए, आप हॉट एंड कोल्ड खेलना बंद करें। आप ये नहीं कह सकते कि आप कोर्ट में साफ इरादों से आए हैं, यह हम तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, बहुत हो गया, हम ऑफिसर स्वास्तिक पर 10,000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाएंगे। बता दें कि स्वास्तिक ड्रग इंस्पेक्टर है। इसके साथ ही IMA पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने IMA के अध्यक्ष अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा, आप जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काउच पर बैठकर कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आप इस मामले में पक्ष हैं, उसके बाद भी हम आपके हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष के माफीनामे को ठुकराया, कहा हम संतुष्ट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।